बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुलफिशा हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। टुडे माय टॉपिक इज़ फॉर क्लास सिक्स, यूनिट नंबर फाइव, फोकलोरी, सेक्शन वन, ग्रेटफुल एनिमल्स, ग्रेटफुल मैन। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड हम ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट का नेम है फोकलोरी। फोकलोरी यानी लोक दास्तान। सबसे पहले हम इस यूनिट का स्टार्टर पढ़ेंगे। एवरीवन लव्स अ स्टोरी। हर कोई कहानी को पसंद करता है। स्टोरीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहानियाँ मुख्तलिफ इकसाम की एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स और मुख्तलिफ नामों से होती हैं। अ ट्रेडिशनल स्टोरी, एक रवायती दास्तान या कहानी। फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह से। डेट वॉज ओरिजिनली पास्ड टू द पीपल इन द स्पोकन फॉर्म इज़ नोन एज फोकलोरी। जो कि एक हकीकत पर मबनू, इंसानों पर मुश्तमिल होती है। ऐसी दास्तान को या ऐसी कहानी को फोकलोरी बोलते हैं। डू यू नो व्हाट अदर टाइप्स ऑफ स्टोरीज आर कॉल्ड। क्या आप जानते हैं दूसरी किस्म की स्टोरीज को या दूसरी किस्म की कहानियों को क्या बोलते हैं? इसी पेज के स्टार्ट पे नीचे लास्ट द नेम्स ऑफ सिक्स स्टोरीज वर्ड्स आर हिडन इन दिस वर्ड रिकॉर्ड। नीचे कुछ जंबल वर्ड्स हैं, उनको आपने अरेंज करना है और स्टोरीज के नेम फाइंड करने हैं इनमें। द वर्ड्स आर एदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होंगे। फाइंड द वर्ड्स, वर्ड्स को ढूंढें। एंड सर्कल देम, और उनको सर्कल करें। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। सेक्शन वन पढ़ेंगे हम आज, ग्रेटफुल एनिमल्स, ग्रेटफुल मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट दिस स्टोरी। वी थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर हेल्पफुल। हम समझते हैं कि इंसान मददगार एंड ग्रेटफुल और एहसानमंद होते हैं। व्हाइल वी कंसीडर वाइल्ड एनिमल एज इवल एंड डेंजरस। जबकि जंगली जानवरों को हम बुरा और ख़तरनाक समझते हैं। आर वी राइट इन थिंकिंग सो। क्या हम ऐसा सोचने में सही हैं या दुरुस्त हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज़ हेल्पफुल। हेल्पफुल मीन मददगार। एंड द वर्ड्स डैट इज़ meaning in English form, that is the synonyms of this words like of assistance. Grateful, shukrgazar, thankful. Evil, bura, wicked. Look for, talash karna, search for. Disuse, bedehani se istemal ya jiska istemal na kiya gaya ho, abandoned. Goldsmith, sunar, one who works with gold. Barber, hajam, one who trims hair. Deed, amal, and action. Shudder, jhujhri aana, to shake involuntarily. Terrified, hofzada, frightened. Relented, aakhirkar, razi ho gaya. Relented, aakhirkar, razi ho gaya. Finally, agreed. पार्टिंग, रुखसत होते वक्त। सेपरेटिंग, सीक्रेटली, राजदारी से, कॉन्फिडेंशली। नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रांसलेशन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस अ गुड मैन, एक मर्तबा एक नेक इंसान। वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक जंगल में से गुजर रहा था। ही लुक्ड फॉर वाटर, इसने पानी तलाश किया। एंड फाउंड आ डिसयूज वेल, और उसे एक ना इस्तेमाल किया हुआ कुआं मिला। वैन ही लुक
इन, जब उसने इसके अंदर देखा, ही हेयर्ड वॉइसिस, उसने इसमें से आवाज़ें सुनी, कॉलिंग आउट टू हिम, जो उसे पुकार रही थी, अ लायन, एक शेर, अ स्नेक, एक सांप, अ गोल्डस्मिथ, एक सुनार, एंड अ बार्बर, और एक हजाम, हैड फॉलन इनटू इट, इसके अंदर गिरे हुए थे, एंड कुडंट गेट आउट, और बाहर नहीं निकल सकते थे. द लायन सेड, शेर ने कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी, मेरी मदद करो, गेट आउट ऑफ दिस वेल, इस कुएं से निकलने में, एंड आई नॉट फॉरगेट योर गुड डीड, और मैं तुम्हारी नेकी को कभी भी फरामोश नहीं करूँगा. आई नॉट फॉरगेट योर गुड डीड, मैं तुम्हारी नेकी को कभी भी फरामोश नहीं करूँगा. द मैन सेड, आदमी ने कहा, जस्ट द थॉट ऑफ अ लायन, सिर्फ शेर के बारे में सोचने से ही, मेक्स मी शडर, मुझे झुरझुरी आ जाती है. इफ़ आई टेक यू आउट, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला, यूल ईट मी अप, तो तुम मुझे खा जाओगे. यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख ज़रूर लगी होगी. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90. नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रॉम दिस पेज. द लाइन सेट, शेर ने कहा, और नो, नहीं नहीं, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, नॉट टू डू यू एनी हार्म, कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी, मेरी मदद करो. विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग वाइन्स, कुछ मजबूत बेलों की मदद से, डेट वर ग्रोइंग नियर बाय, जो कि पास ही उगी हुई थी, द गुड मैन पुल्ड द लाइन आउट, नेक आदमी ने शेर को बाहर खींच लिया. द लाइन सेट, शेर ने कहा, रिमेंबर टू विजिट मी, मेरी तरफ चक्कर लगाना मत भूलना. आई लिव इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ. आई'ड लाइक टू गिव, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. आई'ड लाइक टू गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन योर नोटबुक एज अ होमवर्क. थैंक यू. सब्सक्राइब गुलफिशा न्यूज़, लाइक, कमेंट, शेयर.